चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन कैपिटल बी, द टॉर्क एक्सर्टेड ऑन इट। देखो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू बी बोल रहा है, और इसमें क्या रखा हुआ है, एक बार मैग्नेट रखा हुआ है। एज्यूम करो ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो है एम ये है, और यहाँ पे भी एम है, ठीक है। अच्छा इसमें फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एफ बी की वैल्यू एम इंटू बी ये लगेगा, ठीक, और एक फोर्स इधर लगेगा इस पोल स्ट्रेंथ पे, एफ बी इज इक्वल टू एम बी। अब ये दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन, ये डॉटेड लाइन होगी, ठीक है, डॉटेड लाइन होगी, उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर होगी दोनों फोर्सेस की, तो यही दोनों फोर्सेस टॉर्क बनाएंगे, तो फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ इंटू आर। एफ की वैल्यू, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू एफ इज इक्वल टू एम इंटू बी है, तो यहां पर मैं एफ की जगह लिख दे रहा हूं एम इंटू बी इंटू ये लेंथ, अगर मैं एल कंसिडर करूं बार मैग्नेट की लेंथ एल कंसिडर करूं, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, और उसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, साउथ टू नॉर्थ की तरफ होता है, ठीक है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, ये एंगल है थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आर बाई एल होगा साइन थीटा। एल को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इस ट्राइंगल में बात कर रहे हैं हम, ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है हम लोग कर रहे हैं, इस वाले ट्राइंगल की, ठीक है, तो आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा होगा, करेक्ट है, और ये वैल्यू अगर एल साइन थीटा यहाँ रख दें, तो यहाँ से देखो स्मॉल एम इंटू एल इंटू बी एक्सटर्नल इंटू साइन थीटा। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हम लोग जानते हैं एम इंटू एल होती है, ये मैग, और एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ, ध्यान रखना स्मॉल एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ, और कैपिटल एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो m इंटू एल की वैल्यू कैपिटल m के इक्वल होगी m इंटू बी साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, m भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, b भी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो m का डायरेक्शन ये है, देखो m का डायरेक्शन ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये m का डायरेक्शन, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब ये जो टॉर्क है वो इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर है क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो क्लॉकवाइज में m क्रॉस b तो क्लॉकवाइज होगा, m क्रॉस b क्लॉकवाइज होगा, ठीक है ना, b क्रॉस m तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो m क्रॉस b की वैल्यू होगी टॉर्क की वैल्यू के इक्वल, ये आंसर आपका अप्रोप्रिएट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।